मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दार हुकूमत कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए हजारों रूह परवर इज्तिमा। नमाज ईद के बाद मुल्क के कूचे कूचे में शहरी हसवे इस्तेता सुनत इब्राहिमी की पैरवी में अपने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। एबीएन न्यूज के नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मॉडर्न लाहौर में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। मुल्क सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की। नमाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के हमराह जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज अदा की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने भी जरदारी हाउस में नमाज ईद पढ़ी। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद फर्दन फर्दन सबसे ईद मिले। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राणा सनावला ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में गैर मुल्की सफारतकारों के हमराह नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी आई खान में अपने घर अली अमीन हाउस में नमाज ईद अदा की। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की याद दिलाती है। आजमाइश और इम्तिहान में हमें हर सूरत साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के साथ ना रखने वालों का भी ख्याल रखने का पैगाम। पैगाम में कहा, हमें फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की अज़ीम कुर्बानी को भी याद रखना चाहिए। मुसल्लफा चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ और सर्विस चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। आईएसपीआर के मुताबिक ये मुकद्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज हैं। आज हम शहदा के लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मजमूम अजायम से महफूज रखे। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा को हर मुश्किल टाल दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर पैगाम, कहा दुआ है अल्लाह खज़ा के हर फलस्तीनी की हिफाजत और फलस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला कश्मीर समेत दुनिया के हर मजलूम की मदद और हिफाजत फरमाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ईद उल अज़हा हमें इसार, कुर्बानी, इत्तेफाक और एक दूसरे के लिए जीने का एहसास दिलाती है। साहिब सरवत लोग ईद के मौके पर नादार और मुस्तहिक लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें। भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। सबसे बड़ा इज्तमा मरकजी ईद का मुजफ्फराबाद में हुआ, जहां हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। सीरत कमेटी के ज़रिए तमाम मरकजी ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई। ईद के इज्तमा में मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के हक में करारदादें मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का गोश्त और राशन बैस की मुस्तहकीन में तकसीम, इंसानियत की आला खिदमत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, कहा आपकी जान से मेरी हौसला अफजाई, मेरे लिए एजाज है। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए माहदे पर अमल चाहते हैं। पंजाब में जगह देने का मुतालबा भी इसी माहदे का हिस्सा है, इस पर भी अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद की अदागी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी कोशिश है कि बजट में इन तबकात को रिलीफ दिया जाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान को हम अपना मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं, वो दूसरी जगह पर पराए लगते हैं। इनको कहता हूँ कि आप यहाँ खानदान के फर्द नजर आते हैं, इसलिए हमारे आपके साथ ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। ईद के मौका पर सरहद पर मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को नहीं भूलना चाहिए। महंगाई के पेश नज़र मुखय्यर हजरात कुर्बानी की इस्तेआत न रखने वालों को ईद की खुशियों में शामिल करें। बजट पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ 100% दुरुस्त, तजावीज को बजट का हिस्सा बनाएंगे। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लें। मुशीर वज़ीर आज़म राणा सनावला की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसा नहीं कि बजट में पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। बजट कोई फाइनल फिगर नहीं, उस पर अभी बहस और तजावीज होंगी। अगर मुशावरत में कोई कमी रह गई तो बजट पर बहस के दौरान पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात ज़ेरे ग़ौर लाए जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश की कि IMF को शरात को नरम कराया जाए। उम्मीद है ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है और आइंदा साल हम इससे जान छुड़ा लेंगे।
मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न, कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दुचार ना हो। दुबई लीक्स में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। पानामा लीक्स में भी कोई बात नहीं थी, बस शरीफ खानदान को निशाना बनाएगा। नवाज शरीफ ईद के बाद पार्टी के तंजीमी सरगर्मियां शुरू करेंगे। मसले हल नहीं हो रहे, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। साबिक विफाक के वजीर शेख रशीद की तजवीज़। लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के हालात सबके सामने हैं, खरबों के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, आवाम चोरों से छुटकारे की दुआ करें, 30 अगस्त तक सियासत से दूर। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें, हम सबको सोचना चाहिए हमारा असल टारगेट क्या है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सखर में अपनी रिहायश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कदमों पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी इकॉनमी ज़रात पर चलती है, ज़रात मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमें पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज करना चाहिए। फलस्तीन पर हम पता नहीं क्यों खामोश, हम 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान मगर फलस्तीन को तनहा छोड़ दिया, हम वो फैसले करें जिससे उम्मत मुसलमान आगे बढ़े। विफाकी हुकूमत की जांच से सिंध को शेयर कब मिलता है, गाड़ियां कराची से पूरे पाकिस्तान जाती हैं लेकिन हैदराबाद का सखर हाईवे पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध की स्कीमों के साथ मजाक किया जाता है, हैदराबाद हमारी तरजीहात में शामिल, बिला तफरीक काम करेंगे, अवाम बिला तफरीक अपनी जाती अना को खत्म करके मुतहद होकर ईद की खुशियां मनाए। लसबेला में पुलिस मोबाइल टायर फटने से उलट गई, हादसे में 5 अहलकार जांबाग, 2 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा दुबई मस्जिद के करीब पेश आया, पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी, लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला का इजहार अफसोस, शहदा के लवाहिकिन से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया।